यानी वो रूह सरकार की रूह थी, 16 साल का बच्चा। और आप यकीन करें कि जब भी वो बैठता, जब भी बैठता, दोस्तों में बैठता या हम लोग बैठता, तो वो बात सरकार की ही करता था। और घर वाले बताते हैं कि जब वो घर से निकलता था तो सरकार को सलाम करके निकलता था। और शहादत की निशानी मैं बताऊं कि जब कोई शहीद होता है तो उसका खून जारी रहता है। इस बच्चे को गुस्ल दिया गया तो इसका खून जारी था, नमाजें जनाजे पढ़ाई गई तो इसका खून जारी था, और कई जागरों ने, कई अहले खाने ने इसको ख्वाब में देखा कि ये सरकार के साथ है। तो अजी साथियों, कुर्बान जाए कि ऐसे लोगों पे, क्योंकि ऐसे फरिश्ते हमारे लिए, कि 16 साल का बच्चा वो नाबालिग है, बालिग नहीं है, वो फरिश्ते हुआ ना गुनाहों के पास। तो अगर हम अपने कल्ब को इसमें जात में लगा लें, जो इसके अंदर फरिश्ता बैठा है उसको जिंदा कर ले, उजागर कर ले, तो मेरा ख्याल आप भी शहीद में हो जाएंगे, मरना तो है ना। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सरकार अपने महफूज में रखें, सरकार हम सबको राजी हो, और आपका आना, मेरा यहाँ बैठना, हम सबका बैठना, सुनना कबूल फरमाए। सलाम सुभान अल्लाह, बेकिल्ला तजी हजूर के फ़ज़ाइल और ख़साइल, और मैंने आज शहीद के हवाले से अपनी पर असर गुफ्तगू से मुझे हमारे साथ ज़्यादा मशदी करूँ। जनाब तरफ मैंने जहर शाह मदर आलू और